हेलो गाइस, शाइनिंग साइरस मोमेंट्स में आपका वेलकम है। आज की वीडियो है फोटोशॉप एडिटिंग। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप ओपन करना है, इसमें हमें कोई इमेज इंसर्ट करनी है। अब हमें टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट पे आप कुछ भी लिख सकते हो। आप देख रहे हैं इस वक्त टेक्स्ट में ब्लैक कलर है। अब हमें टेक्स्ट का कलर वही रखना है जो बैकग्राउंड इमेज में हो। हम पहले राइट साइड में लेयर्स में बैकग्राउंड में जाएंगे, बैकग्राउंड पे क्लिक किया, उसके बाद सेलेक्ट ऑल करना है, वो होता है कंट्रोल ए से। आप देख रहे हैं कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो गया सारा। वहाँ पर हम फिर कॉपी करेंगे कंट्रोल सी। कंट्रोल सी के बाद हमें यहाँ पे इस लेयर पे, पहली लेयर पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले कंट्रोल पे होल्ड रखना है, कंट्रोल होल्ड एंड क्लिक। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। अब हमें वापस यहाँ पे क्लिक करना है, लेकिन इस बार कंट्रोल पे हाथ नहीं रखना है। जी, हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब हमें इसमें एडिट ऑप्शन में जाना है, वहाँ से पेस्ट इनटू करना है। आप देख रहे हैं पेस्ट इनटू से चेंजेस आ गई इस टेक्स्ट में। अभी टेक्स्ट कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम करेंगे पहली लेयर पे करेंगे हम क्लिक, डबल क्लिक। आप देख रहे हैं वहाँ से विंडो पेन ओपन हो गई। यहाँ हम रखेंगे प्रीव्यू पे मार्क। इसके बाद पहला ऑप्शन ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं ड्रॉप शेडो पे क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ शेड आ गई। इसमें हम ओपेसिटी कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद है डिस्टेंस, अगर शेडो रखनी होगी। स्प्रेड, साइज, उसके बाद है ऑप्शन इनर शेडो, इनर शेडो ओपेसिटी, डिस्टेंस, चोक एंड साइज। आउटर ग्लो, ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनर ग्लो, बीवल एंड एम्बॉस। तो मेन जो ऑप्शंस हैं वो इन तीन ऑप्शंस में हैं, इन पहले वाले तीन में। इनसे बैकग्राउंड टेक्स्ट मिलता है हमें, तो बहुत ही आसान है। इसके बाद हमें ओके करना है। आप देख रहे हैं इसमें अभी बहुत लेयर्स बन गई, तो इसके लिए हमें एक ही लेयर बनानी है ताकि हम सेव करें। यहाँ पे जाना है हमें लेयर पे, लास्ट सेकंड ऑप्शन है फ्लैटन इमेज। फ्लैटन इमेज में क्लिक किया तो यहाँ से आपको, आप देख रहे हैं कि एक ही लेयर ये बन गई। अब आप सेव एज कर सकते हो, सेव एज नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने शाइनिंग साइरस इसीलिए रखा कि वो मेरी चैनल का नाम है। ओके,
अब आप देख सकते हैं कि जिस पे मैंने एडिट किया, देखिए मैंने डेस्कटॉप पे जो इमेज रखी हैं ये भी मैंने एडिट किए हैं खुद। तो जो हमने अभी की वो है यहाँ पे, आप देख रहे हैं इसमें टेक्स्ट पे वही टेक्सचर आ गया जो इमेज की बैकग्राउंड में है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।